फेस पे खुशी देख के आपको आपकी कितनी खुशी होती है? अरे बहुत खुशी होती है, हमेशा बोलता रहता हूँ थैंक यू दैट्स व्हाट दे मीन बाय थैंक यू। मैं यही बोलूँगा कि कभी ये मत सोचिए कि किसी में कुछ एबिलिटीज़ कम है, बिकॉज ऐसा नहीं होता है। अगर आप में कुछ कम है तो कुछ ज़्यादा और भी हो सकता है, एंड आई थिंक इट्स अप टू अस टू फाइंड आउट व्हाट इट इज़। एंड यहाँ पे हर एक बच्चा है सुपरली टैलेंटेड इन द ओन लिटिल वे, बिकॉज हर किसी में कुछ ना कुछ खासियत होती है, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती है, और वही ढूंढना हमारा मतलब होता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हां, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई ऐसे करे तो आई थिंक सपोर्ट करना चाहिए, और हो सके तो अपना टाइम भी देना चाहिए, आपको हेल्प करना चाहिए। तो इसलिए इधर आई हूँ थोड़ा सपोर्ट देने के लिए, और ये बहुत अच्छा कॉज है। जिस जहाँ जहाँ हो सके अगर कोई थोड़ा सा टाइम निकाल के किसी को कुछ अपने जितना हो सके करे, हेल्प करे, या यू नो जो भी करे, लेकिन एवरी डे डू समथिंग स्मॉल, इट विल हेल्प एवरीवन। इन बच्चों में कैसे किस तरह के पोटेंशियल आप देखते हैं? ये पोटेंशियल है, आई मीन इसको छोटी छोटी चीज़ें से बहुत लाइक दे आर सो हैप्पी विद स्मॉल थिंग्स। यू कम एंड विजिट देम, यू कम एंड बी विद देम, दे जस्ट नीड दैट लिटिल अटेंशन दे नीड, और क्या चाहिए। आई मीन अदरवाइज इफ़ यू गो टू सी आपको भी या हमको भी बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें चाहिए। इन लोगों को हल्का सा थोड़ा सा टाइम मिले तो आई थिंक दे आर वेरी हैप्पी। वी ऑल शुड ऑल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम देम, स्मॉल स्मॉल थिंग गिव्स यू सो मच हैप्पीनेस। अगर बात की जाए फिल्मों की तो कम्युनिकेशन का एक जरिया होता है, कम्युनिकेशन होता है एक तरह का, लेकिन बहुत कम साधन है, हम बहुत कम ही माध्यम है ताकि इन लोगों तक भी इंटरव्यू पहुँच सके। मैं कहना चाहूँगी कि हम एट द मोस्ट सब टाइटल्स कर सकते हैं, यू नो फॉर दिस वन। ओवरसीज में तो है, लेकिन यहाँ लोग इतना पसंद नहीं करते कि सब टाइटल्स हो। अगर ये अगर हो जाए तो आई थिंक इट बी हेल्पफुल फॉर देम ऑल्सो टू वॉच द फिल्म। आप ऐसे कोई इनिशिएटिव लेना चाहेंगे कि ऐसे बच्चों पे फिल्म बनाई जाए? ऐसे बच्चों के बारे में एंटरटेनिंग फिल्म बनना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्री टाइप बनेगा तो आप भी नहीं देखोगे या कोई भी नहीं देखेगा, तो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। पानी हाँ लेता हूँ पहले।
चलो बच्चों हो गया चलेगा चलेगा ओके रोल एवरीवन या बाद में कृष्णम रवि बूम सब ऑलरेडी थोड़ा कम कम कर रहे हैं बी है ओके थोड़ा जो कृष्णम सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा आप हेल्प कर रही है और मैनेज भी कर रही है ये बताइए कि ये इन बच्चों के साथ घुल मिल कर मैं हमेशा ही बच्चों के करीब रही हूँ और ये हम आज वर्ल्ड डेफ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं द होल एम ऑफ दिस आर्ट कैंप इज़ जो भी बच्चे अराउंड 800 बच्चे हैं आज यहाँ पे देव कम फ्रॉम ऑल ओवर महाराष्ट्र डेफ स्कूल्स ऑफ महाराष्ट्र शोलापुर कोल्हापुर नासिक पूना सभी जगह से आए हैं और मेरा एम यही है कि इस कैंप में जो बच्चे पेंटिंग अच्छा करेंगे जो सीखना चाहेंगे मैं उनको फ्यूचर में रूबनलागी आर्ट फाउंडेशन के अंडर लेके पेंटिंग सिखाऊंगी बट मेरा एम पेंटिंग करके उनको आर्टिस्ट बनाना नहीं है मेरा एम है उनको एजुकेशन देना काफ़ी बच्चे हैं क्योंकि वो डेफ एंड डम है तो उनको स्कूल नहीं में एडमिशन्स नहीं मिलते हैं सो मेरा एम है कि थ्रू आर्ट आई टेक देम टू स्कूल 12th तक एजुकेशन करना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जब 12वीं तक पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको वापस नहीं पढ़ने का मन नहीं करता है बिकॉज आपको भी पता चलता है दुनिया में देर आर सो मेनी एवेन्यूज देर आर सो मेनी वेज दैट यू कैन मेक अ लिविंग एंड वेयर अ वाइट कॉलर शर्ट सो मेरी वही कोशिश है कि ये सब बच्चे पढ़ें और आर्टिस्ट बने आर्किटेक्ट बने इंटीरियर्स करें जब ड्राइंग की बात आती है तो आपके लिए यू हैव लॉट ऑफ एवेन्यूज विच आर ओपन फॉर यू टू चूज वैसे हमने बच्चों में देखा काफ़ी लेकिन उनके पेरेंट्स और टीचर में कितना आपने बहुत सारे पेरेंट्स के मैंने मैंने देखा है वो झगड़ते हैं अगर उनके बच्चे एक कमी से पैदा होते हैं पेरेंट्स अलग हो जाते हैं बच्चों को बाहर फेंक दिया गया है काफ़ी बच्चे जो यहाँ पे हैं उनके पेरेंट्स चाहते ही नहीं हैं कि वो उन बच्चों को रखे विच इज़ वेरी सैड बट फिर मैं ये कहूँगी कि ठीक है पेरेंट्स नहीं हैं तो हम हैं और हमारे जैसे और बहुत लोग हैं आई एम श्योर दुनिया में जो इन बच्चों को संभालेंगे और उनको एक अच्छा फ्यूचर देंगे हमें कोशिश करते रहना चाहिए अगर हम ये बोलें कि अरे ये कैसे होगा नहीं करिए अगर नहीं होगा तो देखा जाएगा एटलीस्ट एक कोशिश तो करिए इस कोशिश में मेरी भी आप भी जरूरी है आप कितना अच्छा लगा मुझे बहुत खुशी है कि मुझे रूबल ने ये चीज़ के लिए इन्वाइट किया आज से पहले मैं कभी ऐसे कॉज के लिए गई नहीं थी एंड जस्ट कनेक्ट विद सच किड्स यू नो आई एम लाइक आई फील लाइक जैसे कहते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स दीज किड्स आर ओनली विद एक्शंस दे डोंट हैव वर्ड्स सो दे आर आई फील दे आर 10 टाइम्स अहेड ऑफ व्हाट अ नॉर्मल पर्सन इज यही कहना चाहूँगी कि जो कोई अगर कुछ भी थोड़ा सा टाइम दे सके तो आके दे गूगल के साथ थोड़ा हाथ बताए And I think a helping hand for will be she'll be very happy for it. I think I would love to do something like this. So much. बच्चे हमें सुन और सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं और वही महसूस कर सकते हैं जो एक बोलने वाला बच्चा महसूस कर सकता है सो हमें मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको उनकी दिल की आवाज़ सुननी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको सुनने वाली आवाज़ भी दे सकें इन वट एवर वे वी कैन मैं यहाँ हूँ उनके खुशी के लिए उनके चेहरे की खुशी के लिए मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करती जिसके लिए मुझे खुशी ना हो और मैं पैशनेट नहीं हूँ आई ओनली डू थिंग्स दैट आई लाइक टू डू जो मुझे खुशी देती हैं और बच्चे और महिलाएँ तो हमेशा मैं उनके साथ हमेशा जुड़ी हुई हूँ और बच्चों के लिए तो आई एम जस्ट कॉल अवे They don't have to be deaf and dumb. They could be even normal children. I mean, I teach normal kids as well in the slums. So, मेरे लिए बच्चे की बच्चों की जब बात आती है, so that is above everything. I mean, उनकी खुशी के लिए I would do anything. Thank you so much for talking to us. और जो आप initiative ले रहे हैं, हमको बहुत सराहना. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. तो ती पहले irritated आ लेरा. अभी एक फोटो साइन करके मैं सबको एक पेपर पे जेरॉक्स करके सबको ऑटोग्राफ देंगे हम फोटो मिला ना
बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं, देख सकते हैं. सो वो जब देखते हैं कुछ एक मिनट वॉलंटियर्स है, वॉलंटियर्स चाहिए मुझे. हमारे बच्चे भूखे रह गए आपके लिए, कोई जा नहीं रहा, सब यहाँ पे आ गए. अब मैम आप उनको ले जाओ ना, आप टीचर हो, आप मुझे मत बताइए ये बात. हाँ, अरे तुम लोग को ऑटोग्राफ की, तुम ये पेपर संभाल के रखिएगा. बच्चा बाहर बाइट करना है मेरे को, इधर आ जाओ. हो गया. ओके, फाइव मिनट. अब मेरा फोटो पाँच. चलो आई नीड वन. ओके, अब बैठ ले भाई. ओके, रोल ना, रोल ना, रोलिंग. क्या कहना चाहेंगे आप? ये कर लो, मैं आती हूँ. क्या होती है? सॉरी, किस तरह से जुड़े इस जहाँ बच्चे होते हैं, मुझे वहाँ पार्टिसिपेट करना, वहाँ जाना, उनके साथ वक्त बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है. और कभी कभी मैं इस चीज़ में रह जाती हूँ कि किस तरह से और कहाँ जाऊँ और किस तरह से पार्टिसिपेट करूँ. जब मेरी फ्रेंड और मेरे रूबल जैसे जो फ्रेंड्स हैं, जो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, प्लान करते हैं और मुझे वहाँ इन्वाइट करते हैं, एंड नाउ अभी तक मुझे चांस भी नहीं मिला कि मैं बच्चों से इंटरेक्ट करूँ. मैं वहाँ जाऊँगी, उनके साथ समय बिताऊँगी, एंड आई जस्ट लव इट, लव पार्टिसिपेटिंग इन विद चिल्ड्रेन एंड वॉट एवर दे आर डूइंग. थैंक यू. Hi.
It's so beautiful to see so many of the kids here and how excited and happy they were, you know, that we, you know, when we were just entering, and it's just so beautiful, and it's so nice. There's so many children here, really. Yeah, when I read about it, I was like thrilled, and to start my birthday by coming here, it's the best thing that could be. So I'm feeling super blessed being here. Thank you so much. Pictures. Pictures kar lete hain, come together na. Ye lo. Excuse me.